हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे रमेश सिंह से। अब वहीं से ही सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका ये नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर की कड़ी में थर्ड पार्ट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, या हमारा पेज भी है राशि सिंगल स्टडी ग्लोज के नाम से, वहाँ भी अपनी कोई भी क्वेरीज हो पूछ सकते हैं। देखिए, अब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है, अब ये तो आपको समझ ही आता है। इंडिया के जो सेक्टर्स हैं, है ना, हर इकॉनमी, इंडिया की क्या बात है, हर इकॉनमी जो है अपनी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। अब इस चीज़ के लिए वो कुछ सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है, है ना। अब वो क्या सेक्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट होता है प्राइमरी सेक्टर, ये इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क होता है, वो वाली एक्टिविटीज़ आती हैं, डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आती हैं, बाकी टर्शरी में हमारी सर्विसेज से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं, ठीक है। चलिए डिटेल में इस बात को डिस्कस करते हैं। देखिए, अब प्राइमरी सेक्टर किससे कंसर्न है, ये सेक्टर होता ही उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए है जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल्स, मेटल्स, मिनरल्स, ऐसी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब कुछ इकोनॉमीज़ में माइनिंग एक्टिविटी को ऑल्दो सेकेंडरी सेक्टर में माना जाता है, बट कोई बात नहीं भाई, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स का यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ हो रहा है तो हम उसे प्राइमरी सेक्टर में ही लेकर चलेंगे, ठीक है। अब ब्रॉडली बोलें तो ये जो इकोनॉमीज़ हैं इन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो एक्सट्रैक्शन होता है रॉ मटेरियल्स का, माइनिंग, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, इन्हें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ भी इसलिए बोला जाता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन से ही वर्ड निकल के आया एक्सट्रैक्टिव, है ना। एक्सट्रैक्टिव सेक्टर भी बोला जाता है क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, बेसिक रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं मोस्टली इस चीज़ में, ठीक है। आगे मैन्युफैक्चरिंग, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग के लिए वरदान, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए वरदान होता है प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज सबसे बेसिक एक्टिविटीज़ यहाँ की जाती हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये प्राइमरी सेक्टर है, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक होता है एक्सट्रैक्टिंग, मैं बता दिया एक्सट्रैक्टिव सेक्टर भी बोलते हैं इसे, और एक जेनेटिक सेक्टर भी इसे बोलते हैं। जेनेटिक में नाम से ही पता चल रहा है, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, पोल्ट्री यहाँ पर आ जाती है, फिश हैचरिंग आ जाती है, मतलब पशुपालन और फिश की हैचिंग, है ना, ये सारी एक्टिविटीज़ जहाँ आ जाएंगी उसे बोलेंगे हम जेनेटिक सेक्टर, ठीक है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये डिवीज़न है इसका एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव में हमारी आ गई जैसे सारी बिल्कुल फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी वाली एक्टिविटीज़, जहाँ हम एक तरह से माइनिंग मतलब रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, जैसे हम कोल निकाल रहे हैं खदानों में से, ठीक है। तो देट इज़ हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव वाले पार्ट में आ गया। अब देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज सारी कंसर्न्ड यहाँ भी लिखा है एक्सट्रैक्टिव और प्रोडक्टिव ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से होता है ना, ये पिक्चर भी मैंने आपके लिए इसलिए लगाई है। और इसे देखिए एक्सट्रैक्शन सेक्टर भी बोलते हैं, यहाँ आई गई वो बात, क्योंकि हम यहाँ पर रॉ मटेरियल्स निकाल रहे हैं किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। अब ये मैन्युफैक्चरिंग ये रिसोर्सेज जो हैं वो रिन्यूएबल भी हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। देखिए, जो हमारा रिन्यूएबल है रिसोर्सेज वो रिन्यू होते रहेंगे, है ना, ये हमारे मतलब एक तरह से ख़त्म नहीं होंगे, जैसे विंड वगैरह। और हमारे नॉन रिन्यूएबल सेक्टर हमारी रिसोर्सेज ऑयल वगैरह, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अभी काफ़ी साल बाकी हैं इनके ख़त्म होने में। ये मतलब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन्हें, ये मतलब जो हमारे पशु और या फिर प्लांट्स वगैरह मर जाते हैं उनसे ये उत्पाद होते हैं इनके, है ना, उनसे ये एक तरह से इनका प्रोड्यूस होता है, और उसे प्रोड्यूस होने में हज़ारों लाखों लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रिसोर्सेज को हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए। इसे प्रिमिटिव इकोनॉमी भी बोलते हैं, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर है, यहाँ पर एग्रीकल्चर में मेन इन्वॉल्व होते हैं पीपल यहाँ पर, ठीक है। देखिए, एग्रीकल्चर होता हुआ भी दिख रहा है हमें, है ना। अब सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो हमने प्राइमरी में रॉ मटेरियल्स निकाले उन्हें हम कंबाइन करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की शेप देते हैं, ठीक है। जैसे हमने शीप से वूल निकाला, है ना, और उसे हम बेटर क्वालिटी वूल जो होता है जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, है ना, उसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसमें उस वूल को क्योंकि थोड़ा सा थ्रेड भी किया जाता है, नेटेड भी किया जाता है, क्योंकि वो एकदम से हम यूज़ नहीं कर सकते, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते, उस पर काम होना बाकी होता है, ठीक है। और अब मैं आपको सेकेंडरी सेक्टर की बात बताऊँ तो इसमें जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग हमारा सेक्टर आ जाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोले जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बड़ा
बड़ा बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग वाला काम कर रहे हैं, है ना, जैसे हमारी ऑयल रिफाइनरीज वगैरह, वैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी कुछ पार्ट होता है। मतलब जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग में बात करें, एनालिटिकल सेक्टर होता है हमारा, है ना, एनालिटिकल सेक्टर, ANALYTICAL, ठीक है। अब एनालिटिकल सेक्टर, इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, है ना, हम उन्हें निकालते हैं सेम मटेरियल से। फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरीज, अब जैसे हमारी ऑयल रिफाइनरी है, है ना, वहाँ कच्चा तेल मिला, अब कच्चे तेल से हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स निकालते हैं, तो दैट इज़ हमारी एनालिटिकल सेक्टर। अब वहीं एक सेक्टर हमारा इसमें और इन्वॉल्व होता है, जैसे मैं बात करूँ सिंथेटिक सेक्टर, है ना, सिंथेटिक, ये आप एग्जांपल से ही समझ लीजिए, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हमारी, यहाँ पर हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर रहे हैं जब हमारा सीमेंट बन रहा है ना, हमारा एकदम से हमें सीमेंट नहीं मिल जाता कहीं से, ठीक है, हम उसके लिए काफ़ी सारे जो चीज़ें होती हैं, है ना, उन्हें कंबाइन करते हैं, उसके बाद हमें मिलता है। एक हमारा होता है प्रोसेसिंग सेक्टर, उसमें जैसे हमारा शुगर इंडस्ट्री, उसमें जब हमारा गन्ना है वो कितने टाइम, मतलब कितनी प्रोसेसेस से गुजरता है जब जाके हमें शुगर मिलती है, ठीक है। असेंबलिंग सेक्टर भी होता है, एक असेंबलिंग सेक्टर में जैसे आपने कार इंडस्ट्रीज़ देखी होंगी, है ना, वहाँ पे पार्ट्स आ जाते हैं और फाइनल जो असेंबलिंग जहाँ पर हो रही है उसे बोल देते हैं हम असेंबलिंग सेक्टर, राइट। और इसमें एक सेक्टर भी होता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है, जैसे हम डैम्स बना रहे हैं, है ना, बस इनके लिए इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए होती हैं, हमें आर्किटेक्चर स्किल्स चाहिए होती हैं, ये अलग बात है, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वही रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी के, और जब हम बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा मैंने बताया ना आयरन ओर को जब हम निकाल रहे हैं, है ना, उस माइनिंग कर रहे हैं उसकी, तो वो प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन जब हम उससे स्टील बना रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्टर, राइट। अब बात करें अगर हम टर्शरी सेक्टर की, तो एक तरह से यहाँ पर इनटेंजिबल आस्पेक्ट आ जाता है, क्यों, क्योंकि इसको सर्विसेज सेक्टर भी बोलते हैं, हमारी इंश्योरेंस बैंकिंग जैसा जो सर्विसेज होती हैं वो इधर आती हैं, टूरिज्म रेस्टोरेंट्स, राइट। सो ये हमारा एक तरह से सर्विस सेक्टर है, एक तरह से हेल्प करता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी सेक्टर की भी, ठीक है। अब देखिए ये भी टर्शरी सेक्टर, यहाँ बैंकिंग भी है हमारा, है ना, देखिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी है हमारा, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, राइट। हम जैसे कुछ दो सेक्टर्स और हैं छोटे छोटे, वो भी पढ़ लीजिए, जैसे सबसे पहला एक होता है उसमें क्वार्टरनरी सेक्टर, यहाँ पे एक तरह से जो इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट होता है इकॉनमी का वो कवर होता है, यहाँ पर एजुकेशन कवर होती है ना, पढ़ाई लिखाई कवर होती है, जब हम जैसे कंपनीज़ में लोग जाते हैं एकदम से तैयार नहीं होते प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए, तो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग यहाँ पे कवर होती है, यहाँ टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसा वर्क यहाँ पर होता है, ठीक है, खोज वगैरह चीज़ें, ठीक है। अब इस प्रोसेस में जो हम एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिखाते हैं, जिस इन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी सिखाते हैं जिससे वो कम टाइम में काम कर सके, ठीक है, इसे हम नॉलेज इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, यहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग वर्क मिल रहा है ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, है ना, एक तरह से हम ह्यूमन कैपिटल बना रहे हैं, है ना, इसमें सेक्टर में, राइट। एक तरह से सर्विस सेक्टर से ही ये रिलेटेड है, हाईटेक कंपोनेंट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वो इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। वहीं क्यूनरी सेक्टर में छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ कवर होती हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट हैं वो बहुत सारे लेजिस्लेशन पास करते हैं, लॉ वगैरह बनाते हैं, तो वो इस सेक्टर में आ जाते हैं, बिल्कुल इलाइट लोग, है ना, बिल्कुल हाई लेवल पर जो लोग बैठे हैं जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, एक तरह से आप मान लीजिए सिर्फ डिसीजन मेकर्स वाला यहाँ पे काम हो रहा है, डिसीजन मेकिंग का काम हो रहा है, बाकी कुछ ना प्रोड्यूस हो रहा है ना कुछ भी, है ना, इस तरह का काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है वो, लेकिन मेन जो हो रहा है वो डिसीज़न मेकिंग हो रही है ना, किन से रिलेटेड, हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड, हमारे कॉमर्स से रिलेटेड, हमारे एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, कि इसे और अच्छा कैसे बनाया जाए, ठीक है। प्रोडक्टिव काम तो हो ही रहा है ना, बस ये है कि वो माइंड का वर्क है यहाँ पे मेंटल कैपेसिटी इन्वॉल्व होती है। अब हमारी कुछ इकोनॉमीज़ होती हैं, देखिए अब मैं आपको सेक्टर्स बता चुकी हूँ, तो आप बिल्कुल अपने यहाँ पे डिकोड कर सकते हैं कि अग्रेरियन सेक्टर था हमारा प्राइमरी सेक्टर, तो वही है ये, देखिए जब हमारी इंडिया बिल्कुल मतलब इंडिपेंडेंस मिली थी उसे, तो उसमें 50% लोग जो थे वो पूरा एक तरह से
50% से भी ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन थी, इवन अब भी हमारी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, बल्कि बहुत ज़्यादा थी, है ना, ये आंकड़े काफ़ी ज़्यादा थे। और इंडस्ट्रियल सेक्टर वही हमारा जो हम एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल यूज़ करके करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। देखिए वेस्टर्न इकोनॉमीज जो हैं बहुत जल्दी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव हुई, और आज हम मानेंगे कि उनका जो हमारी मोस्टली डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ ही हैं, है ना, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ अब कम रही हैं। और हमारा सर्विस इकोनॉमीज, देखिए सर्विस इकोनॉमीज़ बहुत सारी, सर्विस इकोनॉमी एक तरह से जो इंडिया है उसने एग्रेरियन से सर्विस पे ज़्यादा छलांग लगाई, उसका मैन्युफैक्चरिंग रह गया, है ना, इंडस्ट्री वाला पार्ट रह गया उसका, है ना। हमारी इकोनॉमी भी जो मोस्टली टर्शरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, ठीक है, आज के टाइम में। अब ये जो आंकड़े हैं ये आप मुझे पढ़ के बताएंगे रमेश सिंह से, ठीक है, वहाँ पर थोड़े बहुत ही मेंशन है चीज। बस ये था लेक्चर के बारे में, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।